What's up guys, welcome back to my channel Sunil Gangotri. Now इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स जिन पर आप अर्निंग कर सकते हैं टाइपिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट डिटेल में कि किस तरह से आपको काम करना होगा वेबसाइट्स पर और किस तरह से यहाँ पे अर्निंग आपको होने वाली है, और कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप उन वेबसाइट पर जो है कि अपनी अर्निंग है जो आसानी से अपने बैंक अकाउंट में, UPI में या पेपल अकाउंट में जिस में भी आप लेना चाहते हैं उसमें आसानी से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने हूँ टॉप मोस्ट वेबसाइट, ठीक है, इस पर आप अर्निंग कर सकते हैं टाइपिंग करके, ठीक है। देखिए उस पर टाइपिंग किस बेस पर, जो फर्स्ट देखिए उस पर आर्टिकल टाइपिंग होगा, आर्टिकल आपको लिख कर देना है, ठीक है। उसके लिए देखिए वेबसाइट पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, वेबसाइट पर प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद उस पर आपको काम स्टार्ट करना होगा। देखिए आर्टिकल किस टाइप के आपको लिखने होंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, किस टाइप से कितने वर्ड्स आपको लिखने होंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से पेमेंट आपका आने वाला है अपने बैंक अकाउंट में UPI में या पेपर अकाउंट में जिसमें आप लेना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं तीन वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जो मैं वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ उस पर टोटली टाइपिंग वर्क है, आर्टिकल टाइपिंग वर्क है, ठीक है। आर्टिकल से कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल जैसे एक आर्टिकल होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। माइंड लीजिए जैसे लाइक कोई नेचर हो गया, फिर कोई जगह का नाम हो गया, फिर कोई चीज़ हो गई स्पोर्ट्स लाइक या फिर हेल्थ बिजनेस, कोई भी एक टॉपिक हो गया उसके ऊपर वर्ड्स होते हैं, समथिंग 1000 से 1500 वर्ड्स का एक आर्टिकल होता है जिसमें फोटोज़ भी होती है और आर्टिकल के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट नंबर फर्स्ट का नाम है टेलस इंटरनेशनल, ओके। टेलस इंटरनेशनल जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी। सबसे पहले देखिए सबसे पहले वेबसाइट आपको ओपन करते हैं, ठीक है। आप वेबसाइट ओपन करते हैं आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करते, पहले आपको वेबसाइट पे जो काम किस तरह से होगा वो काम आपको समझना है, ठीक है। वेबसाइट पे जैसे वेबसाइट आपने ओपन करी, ठीक है, वेबसाइट का पेज आपके सामने आ जाए, वेबसाइट का पेज होते हैं आपका ओपन होते हैं आपको देखिए आप देखेंगे किस तरह काम स्टार्ट करें इस वेबसाइट पर, तो आपको देखिए काम स्टार्ट नहीं करना है, पहले उसके बारे में सीखना ही जानना है। तो वेबसाइट ने आपने वेबसाइट को ओपन कर लिया, ठीक है। वेबसाइट को पूरा इंट्रो ले लीजिए, ऊपर से नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल करके देख लीजिए किस तरह से उसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वेबसाइट को कम्प्लीट देख लिया, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट के लास्ट में नीचे में एक करियर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। करियर का ऑप्शन पर क्लिक करें, उस पर आप जो है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें और उस पर प्रोफाइल बनाएं अपनी, ठीक है। उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं, बट काम करने से पहले जो उस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं पहले से उन आर्टिकलों को आपको देखना है कि वो आर्टिकल किस तरह से लिखे हुए हैं, किस तरह से उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन, किस तरह से उनकी डिटेल, किस तरह से टॉपिक वाइज उन जो पब्लिशर है आप की तरह काम करने वाले उस उन्होंने वहाँ पर लिख कर पोस्ट किया, तो ये आपको जानना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस वेबसाइट के आर्टिकल आए आर्टिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट वेबसाइट में आपको बताने वाला, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, वो है डेटा एंट्री टेक्निक, वो आपको देखिए किस तरह से करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर टू वेबसाइट है उसका नाम है फ्रीलांसर डॉट कॉम, सब जानते होंगे, बट यहाँ आप इस वेबसाइट पर काम किस तरह आप करेंगे, किस तरह अर्निंग स्टार्ट होने वाली वो मैं आपको बता दूँ। देखिए सिंपल है, ठीक है, आपको पहले सीखना है, सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड मैटर करेगी इस काम में, ठीक है। जो पहले काम बताया था उसके बारे में उसके अंदर टाइपिंग स्पीड मैटर करेगी आपकी, तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपको अपने हिसाब से देखिए ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट का भी सारी अपनी टाइपिंग किस तरह से आप चेक करेगी। एक मिनट के अंदर आप समथिंग 50 से 60 वर्ड ईजिली लिख दें तो आप अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रीलांसर वेबसाइट है उस पर आपको आगे से प्रोजेक्ट मिलेगी। जैसे फ्रीलांसर वेबसाइट उस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद लिंक उसमें तैयार किया आपने, ठीक है। जो मैं बात बता रहा हूँ वो सब आपको नोट डाउन कर लें, ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के बारे में सीखना है, उसके बाद काम स्टार्ट करें, तो उसमें गिग तैयार करें, गिग होती है मतलब आपकी नॉलेज क्या है, किस तरह का काम आप कर सकते हैं, किस तरह का काम आप परफेक्ट कर सकते हैं, डेटा एंट्री टाइपिंग जो क्या ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी मतलब वर्क उस पर काफ़ी सारे वर्क, बट डेटा एंट्री इजली उसमें सिर्फ आपकी टाइपिंग मैटर करती है कि आपकी टाइपिंग कितनी, तो ये अच्छा वर्क है, ठीक है।
यहाँ पर आपको ठीक बनाना है, जिसमें सब कुछ लिख लेना है अपना, जो भी डिटेल आप किस तरह के काम में एक्सपर्ट है। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा आगे जैसे वेबसाइट की तरफ से, वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके उसको सबमिट करना अर्निंग आपकी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपकी $5 से $10 की अर्निंग होगी, जो कि दिन अच्छी, ठीक है। डेली का एक प्रोजेक्ट भी आपको मिलता है तो अच्छी बात है, एक दिन में एक दो दिन में भी एक प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो भी अच्छी बात है। एंड नंबर 3 वेबसाइट में आपको बताने का, जो काफ़ी अच्छी, ठीक है। उस पर भी आप काम कर सकते हैं, उसका नाम है अपवर्क। सेम उसके ऊपर भी आपको अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद आपको जो कि उसमें ही तैयार करना है, और डेटा एंट्री टाइप में जो वहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे उसके बाद आप वहाँ पर सेम प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, एक प्रोजेक्ट का चार्ज आप लेंगे, इतना चार्ज आप लेंगे, ₹500, ₹1000, ₹1200 इतना काम कितने टाइम में करके आप उसको देंगे, और वापस आपको जो है कि मनी आपको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजी। इस तरह से काम हो तो वेबसाइट पे आप सीखिए और उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।